मॉर्निंग एवरीवन, आज है day 5। कल मैं व्लॉग एंड नहीं कर पाई थी बिकॉज हम लोग बाहर थे और फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, बट हमने कुछ नहीं करा, हमने मसाज कराई और हम घर आके सो गए डिनर करने के बाद। तो आज हम दोपहर को ही एलोर सितार ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि कल अर्ली मॉर्निंग हमारी ट्रेन है वहाँ से कुआलालंपुर की। तो अभी थोड़ी सी वाटर एक्टिविटीज़ करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग लंच करेंगे एंड फिर जाएंगे अपना जेटी से एलोर सितार। तो अब पापा जा रहे हैं पैरा सेलिंग करने। आर यू रेडी? वो जा रहे हैं हमारे पापा, और अब हम देखते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। लगा यार मम्मा अपना अलग ही बीच को एंजॉय करने लगी। मैं जा नहीं सकती क्योंकि मैंने शूज वेयर कर रखे हैं। हम लोग इतनी देर से पापा को देख रहे हैं, अब पता नहीं पापा कहाँ चले गए हैं और वो पैरा सेलिंग कहाँ है, हम तो उनको रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएंगे। आई डोंट थिंक सो। आई तो थी कुछ पीने के लिए लेने, बट यहाँ मैंने इतना सारा सामान ले लिया है, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, पानी की बॉटल। सब बैठेंगे, थोड़ा खाएंगे पियेंगे। जो एक टेंशन थी कि फेरी बुक नहीं थी हो रही थी, वो हो गई है फाइनली। हमारी 4 o'clock की फेरी बुक हुई है एलोर सितार तक। वहाँ पे हमारा होटल बुक है पहले से ही। सो जो फेरी है वो ऑलमोस्ट 2 hours की है, तो आराम से रिलैक्स होते हुए जाएंगे। अब रितेश गया है जेट स्की करने और पापा भी गए हैं जेट स्की करने। मैंने तो कर रखी है 2 बार, तो मैंने इस बार नहीं करा और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो अब हम जा रहे हैं दोनों, या तो कुछ खरीदेंगे अगर कुछ समझ आता है तो, वरना हमारे पास ही है सब कुछ खरीद लेते हैं। हाँ उसने कहा है देख लो कुछ समझ आता है तो, वरना हम अब जाके बैठते हैं और ऑर्डर देते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम लगता है ऑर्डर आने में। एशियन सर का पापा ने चलाई नहीं, अरे तो नहीं मुझे देख को बता रहे हैं पूरे परिवार का पापा। बड़ी बात नहीं है। हाँ कहीं एक को भी सच बता दिया तो सबको पता चल जाएगा। यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कोका कोला वनीला, तो अभी मैं स्कैन करके देखूंगी, क्या पता मेरे को कोरिया का ट्रिप ही जीत जाऊँ मैं। अच्छा तो यहाँ पे ऐसे सफाई होती है, नाइस, तभी इतनी क्लीन रहती है रोज। अब आ चुकी है सेरेना, काफी अच्छी है, स्पेशियस है। हम आ गए हैं अब जेटी कॉम्प्लेक्स पे और हमारे पास पूरा 1 घंटा है। कुछ खाएंगे, हमारे पास टाइम था तो पापा मसाज ही करने लग गए हैं। वाओ मसाज। हमारी आधे घंटे पहले ही बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। जो मुझे टिकट फेयर पड़ा है यहाँ से 34.50 रिंगिट पड़ा है, विच इज़ अगेन वे चीपर देन द फ्लाइट, और टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगता अगर आप ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो। देख सकते हो व्यू, पूरा हिल ढका हुआ है बादलों में। यहाँ पे वेदर बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है, कभी धूप है एकदम से एंड मतलब उसके कुछ मिनट्स में ही। ओके सो मुंबई इन सेइंग कि यहाँ पे वेदर मुंबई जैसा है। मुंबई कर, मैं मुंबई कर, ओके मुझे तो नहीं पता मुंबई और मुंबई कर। फेरी में फाइनली विंडो सीट मिल गई है और कुछ लिखा भी नहीं हुआ, देखा जाए तो मम्मा को नहीं मिली है, बट हम उन्हें पीछे ट्रांसफ़र कर देंगे क्योंकि कोई भी नहीं बैठा। बट वो स्टार्ट होने के बाद रितेश को एक फ्रेंडली अंकल मिल गए हैं, काफ़ी उन्हें वो सब दिखा रहे हैं अपनी ट्रिप के बारे में उसे। ऑलमोस्ट 2 hours की ट्रैवलिंग के बाद हम लोग पहुंच गए हैं एलोर सितार। यहाँ से 20 minutes का रास्ता है हमारे होटल का, वहाँ हम चेक इन करेंगे एंड उसके बाद देखते हैं कि हम यहाँ पे ही घूमेंगे क्या करते हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ इतना ज़्यादा घूमने का है, बट लेट्स सी, यू नेवर नो। आई थिंक
आप कहीं किसी कंट्री में ट्रैवल करो तो आपको उनका फ्लाइट्स के अलावा भी और ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है और चीपर ऑप्शन भी होता है आई बिलीव। एंड जहाँ पैसे बच रहे हैं वहाँ बचा लेने चाहिए अगर आपको कम्फर्ट भी मिल रहा है तो। होटल आ गए हैं, वी आर वेटिंग फॉर आवर चेक इन। पे सारे के सारे वेजिटेरियन फूड एंजॉय कर रहे हैं। मुझे तो भूख ही नहीं लग रही बिल्कुल भी, पता नहीं क्या है। आई थिंक तो यहाँ पे वैसे भी जनरली 8 बजे तक तो सब बंद हो जाता है, बट एक एमएन सेंट्रल ही ऐसी जगह थी जो 10 बजे तक ओपन रहती है। तो हम यहाँ आए हैं घूम घूम के और अब मैं पिक्चर क्लिक कराने जा रही हूँ उस क्यूटी के साथ, क्यूट से एनिमल के साथ। और हमारी ट्रेन फाइनली आ गई है, इसमें हम जाने वाले हैं केएल सेंट्रल कुआलालंपुर। ये है हमारी ट्रेन और यहाँ पे एक छोटा सा कैफे भी है कि अगर आपको टी कॉफी चाहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो आज है day 6 और हम कल जा रहे हैं घर वापस। और हम यहाँ से हम ट्रेन का रूट हमने लिया है और हम जा रहे हैं केएल सेंट्रल कुआलालंपुर। सो ये ट्रेन हमने बोर्ड की है एलोर सितार से और इसका प्राइस था 99 रिंगिट, विच इज़ अराउंड 1850 रुपीज़ इन INR। सो अब हम यहाँ से केएल सेंट्रल जाएंगे और वहाँ पे हमारा एयरबीएनबी बुक है पहले से ही है। आज हम कुआलालंपुर घूमने वाले हैं, तो हमारा दो स्टॉप है, दो प्लेसेस विच वी आर गोइंग टू विजिट, दैट इज़ बाटू केव्स एंड पेट्रोनस टावर। सो लेट्स सी कि आज का डे हमारा कैसा जाता है। और कल हम मॉर्निंग में करने वाले हैं शॉपिंग, फिर हम इवनिंग में निकल जाएंगे अपने घर वापस और मिलेंगे डॉन से। सो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, अभी हमारा स्टेशन आया कुआलालंपुर और उसके बाद है हमारा फाइनल स्टॉप केएल सेंट्रल। बट हमारा चेक इन होने वाला है एयरबीएनबी में 3 बजे, तो उससे पहले हमने सोचा है कि हम लोग लंच कर लें किसी इंडियन रेस्टोरेंट में और फिर उसके बाद हम चेक इन करके चेंज करके बाटू केव्स के लिए निकल जाएंगे, राइट? पूरे रास्ते हम ऐसे आए हैं, ऐसा दिखता है यहाँ पे ट्रेन स्टेशन। हमारा स्टे है रिगालिया रेजिडेंसी में और यहाँ पे मेंशन है कि यहाँ से आपको बेस्ट व्यू मिलता है केएल टावर का और ट्विन टावर्स का। यहाँ पे हमने नोटिस ही किया है कि यहाँ पे काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है विच यू हैव टू फॉलो। दिस इज द व्यू आउटसाइड ऑफ आवर बिल्डिंग। हमारा एयरबीएनबी है 31st फ्लोर पे। हेलो, सो अब हम हो चुके हैं सारे के सारे रेडी और हम जा रहे हैं ट्विन टावर्स। आई होप कि हमें उसकी टिकट्स मिल गए जाए। और कितनी परफेक्ट लाइटिंग है इस रूम में, मेरे जो शेड्स हैं वो बिल्कुल मेरी ड्रेस के साथ मैच कर रहे हैं, ब्लू ब्लू। कैब आ गई है, अब यहाँ से हम सबसे पहले जाएंगे लंच करने। हम आ गए हैं स्टूडेंट KLCC में और यहाँ पे आपको सारे ही लग्जूरियस ब्रांड्स मिल जाएंगे। मेरा पहला मील दिन का आ गया है, साला डोसा सरवाना भवन से, फुल सीपी वाइब्स। थे पेट्रोनस ट्विन टावर बट उसकी टिकट हमें मिल नहीं पाई एंट्री की, बिकॉज
सब कुछ फुल था, एल के लिए भी फुल था। सो अगर आप लोग आ रहे हो तो मेक श्योर कि आप प्री बुक करा के आओ सब कुछ। हम नेक्स्ट आ गए हैं बाटू केव्स पे, क्योंकि कल हम जा रहे हैं वापस। सो एक बाटू केव ही रहता था तो हमने कहा चल कल की जगह अब आज ही कवर कर लेते हैं। सो मे बी हम कल केयर टावर जाएं, लेट्स सी। फिर 4 बजे तक हमें एयरपोर्ट पहुंचना है, सो देखो कैसा जाता है आज का दिन। और मेरी हो गई है काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब, तो मैं ब्लॉग बनाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ, बट मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप शूट कर रही हूँ सो दैट मेरा आज का डे कंप्लीट हो जाए। मैं और मम्मा तो नहीं गए ऊपर, क्योंकि एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मम्मा की हिम्मत नहीं थी इतना ज़्यादा स्टेयर पर चढ़ने की, तो हम लोग यहीं बैठे हैं। मेरा फिर से शाम को व्लॉग में वापस स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आई एम फीलिंग फाइन नाउ। एंड व्हाट आर यू डूइंग रितेश? तो हमें एक पूल में जाने के लिए वो ये ऐसे मेहनत कर रहा है जैसे लड़कियाँ सिर्फ किसी का इंतजार कर रही हैं। और क्या? एंड डोंट फॉरगेट यू आर मैरिड, यू कैन हैव फन। दूध दही खाया करे तो बॉडी बने। तो ये गए हैं आके रूफ टॉप स्विमिंग पूल में, वो है पेट्रोनस टावर का व्यू, है केएल टावर, और हम यहाँ करने वाले हैं स्विम। स्विमिंग का हम जानते नहीं बट फन। मैं हूँ सीधा इन्फिनिटी पूल के नीचे अंदर और मम्मा पता नहीं क्यों नहीं आ रही हैं। स्विमिंग हम लोग रेडी हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं ट्विन टावर्स पे, क्योंकि मुझे पिक्चर क्लिक करानी है प्रॉपर लाइट्स के नीचे और मैं सुबह करा भी नहीं पाई थी। ये है मेरा आउटफिट। Are you enjoying this? No. Why? क्या करने वाले अब हम? Family picture. Okay. आए हैं डिनर करने। आज का बहुत मुश्किल से जगह मिली है क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो गए थे आज। और ये है हम बुतिक बेतंग मार्केट में। इंडियन एम्पायर पे डिनर कर लिया है, खाना बहुत टेस्टी था और मैं एज यूजुअल शूट करना भूल गई हूँ। नहीं, खाना टेस्टी था। और अब हम ऐसे ही बुतिक बेतंग पे वॉक कर रहे हैं और फिर हम जाएंगे अपने एयरबीएनबी वापस। एलोर यहाँ की मार्केट जो इंडियन एम्पायर के नेक्स्ट जाके ही है, और ये बेसिकली यहाँ पे सारा वियतनामीज और चाइनीज फूड है, एक्चुअल चाइनीज। ये है थाईलैंड वाइन। आर एयरबीएनबी और मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है तो मुझसे बोला नहीं जा रहा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो
आज है हमारा मलेशिया में लास्ट डे और हमारी फ्लाइट है शाम को 7 बजे। हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे 3:30 पे। और मेरे फेस की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, ऐसा आप देख सकते हैं। पता चल रहा है मेरे फेस को देख के कि मुझे प्रॉपर स्लीप नहीं मिली है। मैं 5-6 दिनों से 6 दिन हो गए ट्रैवल करते करते, हम सोए नहीं हैं सारे के सारे। सो आज हम करने वाले हैं शॉपिंग थोड़ी सी, बिकॉज हम ऑलरेडी ओवरवेट हैं, मतलब वी आर ऑलमोस्ट 20 kgs प्लस। सो हम करने वाले हैं शॉपिंग और वी मेक श्योर कि हम कम से कम चीज़ें खरीदें, बिकॉज वी एट द एंड डोंट वॉन्ट टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर आर लगेज। इससे बेटर तो फिर हम वहीं पर शॉपिंग कर लेंगे। अब इंडिया की मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है, मतलब अब आई बिलीव कि अगर आप किसी कंट्री में आ रहे हो और आप एक ट्रैवलर नहीं हो, आप ट्रैवल ब्लॉगर नहीं हो, तो आपके लिए 6 nights आर मोर एनफ टू इंजॉय द कल्चर, द प्लेस ऑफ द कंट्री, टू इंजॉय द वाइब ऑफ द कंट्री। अभी तक का मेरे लिए ये मेरा सबसे बेस्ट डे था, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा सुंदर है। हमारा फाइनल स्टॉप सेंट्रल मार्केट, जो कि 100 years से भी ज़्यादा पुरानी है। हम यहाँ से देखो क्या लेके जा पाते हैं, कुछ समझ आता भी है नहीं आता। बट एक चीज़ हमें कुआलालंपुर मलेशिया में पता चली है कि इतना भी कोई चीप नहीं है हमारे करेंसी के अकॉर्डिंग। बाहर भी एक मार्केट है सेंट्रल मार्केट के जस्ट राइट साइड में, हम वहाँ से कुछ देख लेते हैं। हाँ जी, काफ़ी सारी मेमोरीज लेके, काफ़ी फन करके, एंजॉय करके।